15 राजनीतिक दल, दो तीन तो यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि आज मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स लेट हैं। उन्होंने मेमोरेंडम दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मेमोरेंडम सबकी पार्टीज की तरफ से दिया और मेमोरेंडम में क्या लिखा कि किस जल्दी से सरकार कितनी जल्दबाजी से काम कर रही थी ये बिल लाने की, और उनको मना भी किया था उनके एडवाइजर्स ने भी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी कि ये बिल जब कानून बनेगा ये देश के हित में नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो हमारे मूल आधार हैं उनके खिलाफ, ये देश को बांटने वाला बिल। लेकिन अपनी जो संख्या उनकी लोकसभा में थी और राज्यसभा में जो उन्होंने जोड़ी उसके आधार पर लोगों की कोई परवाह नहीं की, देश की कोई परवाह नहीं की, देश इस कानून को स्वीकार करे या ना करे उसकी कोई परवाह न करते हुए ये कानून बनाया। विपक्ष को, चाहे वो दक्षिण के से हो, पूर्व से हो, पश्चिम से हो, उन सबको ये मालूम था कि देशवासी इस बिल को नकार देंगे और यही हुआ। आज त्रिपुरा से लेकर, असम से लेकर, मेघालय से लेकर और नीचे केरला तक शायद कोई स्टेट रही हो, शायद कोई यूनिवर्सिटी रही हो, शायद कोई आईआईटी रहा हो, शायद कोई आईआईएम रहा हो या इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स हो, वो सब आज सड़कों पर हैं, पूरा देश सड़कों पर है। ये दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरीज इशू की हैं रीजनल चैनल्स को, नेशनल चैनल्स को, रीजनल पेपर्स को, नेशनल पेपर्स को, कि टेलीविजन पे, अखबार पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ नहीं दिखाना। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर में छप रहा है और दुनिया इस सरकार के खिलाफ बोल रही है कि इसने क्या किया। तो इसका जो परिणाम निकला कि आज तमाम बच्चे और तमाम इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और बच्चे सड़कों पर हैं और जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज हो रहा, आज मैं सुबह असम बात कर रहा था, 5 लड़के तो गोली से मारे गए, 21 लड़के गोली से जख्मी हैं, सैकड़ों लोग अंदर जेलों में हैं। तो कश्मीर की तरह ये रिपीट हो रहा है पूरा देश, कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बाद अब पूरा देश, वही फार्मूला अपनाया गया है, टेलीफोन बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, मैसेज बंद कर दो, टेलीविजन पे कोई खबर ना आए, पेपर में खबर ना आए, सिर्फ पुलिस से काम ले लो। तो ये पुलिस सरकार हो गई है पूरी देश, इसकी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज निंदा करते हैं और यही माननीय राष्ट्रपति जी को